नमस्कार, मैं रविश कुमार। ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक हाई प्रोफाइल राष्ट्रीय मेहमान भारत आया हो और भारत की राजधानी दिल्ली में दंगे हो रहे हो। ये और बात है कि इस हिंसा की प्रशासनिक जिम्मेदारी अब के मीडिया समाज में किसी की तो होती नहीं है। फिर भी ये बात दुखद तो है ही कि हम किस तरह की राजधानी दुनिया के सामने पेश करना चाहते हैं। इस राजधानी के चुनाव में गोली मारने के नारे लगाए गए इसी राजधानी में, उसके बाद सरेआम पिस्टल लहराने और गोली चलाने और चलाने की कोशिश की आज तीसरी घटना हो गई है। क्या वाकई किसी ने इस बात की फिक्र नहीं की कि केंद्र सरकार का तंत्र राष्ट्रपति ट्रंप के स्वागत की तैयारियों में लगा है तो दिल्ली शांत रहे, दंगे की नौबत ना आए, या फिर दिल्ली के पूर्वी हिस्से में हिंसा इसलिए हुई या होने दिया गया ताकि जब तमाम चैनलों की स्क्रीन ट्रंप के आगमन की तस्वीरों से भरे हुए हों तब हिंसा का खेल खुलकर खेला जाए। लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। हिंसा की घटना ने ट्रंप के कवरेज के असर को गायब कर दिया। यह सूचना जरूर है कि डीसीपी अमित शर्मा भी घायल हुए हैं और उनकी मौजूदगी में ही बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा ने प्रदर्शनकारियों को 3 दिन का वक्त दिया था रविवार को। क्या कपिल मिश्रा के भाषण को उकसाने वाला भाषण माना जाएगा? डीसीपी साहब हमारे सामने खड़े हैं, मैं आप सबके बिहाफ पे ये बात कह रहा हूँ, ट्रंप के जाने तक तो हम शांति से जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम आपकी भी नहीं सुनेंगे अगर रास्ते खाली नहीं हुए तो। बिल्कुल ठीक है, आज जब तक रास्ता खाली करवा रहे हैं, ट्रंप के जाने तक आप जाफराबाद और चांदबाग खाली करवा लीजिए, ऐसी आपसे विनती कर रहे हैं, उसके बाद हमें रोड पे आना पड़ेगा। ठीक है, भारत माता की जय, माता की जय, मातरम मातरम।